जी अस्सलाम वालेकुम अडो फोटोशॉप बीटा 25 का इंस्टॉलेशन तरीका आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आपने क्या करना है क्रिएटिव क्लाउड को डाउनलोड करके इसमें लॉगिन हो जाना है ठीक है सिंपली सा ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डाउनलोड करके आपने अपनी ई मेल आई डी से साइनअप हो जाना है ठीक है जैसे ही आप साइन अप हो जाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है आपको ये दो फाइल्स मिलेंगी ये देखें अडो फोटोशॉप बीटा की और एक ये फाइल होगी ये होगी ये फिल्टर्स की फाइल होती है न्यूरल फ़िल्टर्स। सबसे पहले हम इस फाइल को देख लेते हैं आपने इसे कर लेना है एक्सट्रैक्ट ठीक है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम तो ये हमारे पास जो फोल्डर है आगे है डो फोटोशॉप बीटा का सिंपली हमने इसे जो है यहाँ से कट कर लें या कॉपी कर लें हमने कट कर लिया है तो हमने खोल लेनी है अपनी सी ड्राइव सी ड्राइव में आने के बाद हमने आ जाना है प्रोग्राम फ़ाइल में ठीक है प्रोग्राम फाइल में आने के बाद हमने आ जाना है ये अडोबी के फ़ोल्डर में और यहाँ आकर हमने इस फोल्डर को कर देना है पेस्ट तो अब हम यहाँ पर पेस्ट होने देते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पेस्ट हो चुका है ठीक है तो अब हम इस फोल्डर को करते हैं ओपन और अब करते हैं स्क्रॉल डाउन जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये यह आप देख सकते हैं फ़ोटोशॉप बीटा का ये पड़ा हुआ है ठीक है यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और इसे हम करेंगे सेंड टू डेस्कटॉप ठीक है तो ये डेस्कटॉप पर आ गया ये देखें जी डेस्कटॉप पर आ गया है अब सिंपली हमने डबल क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर को रन करना है सिंपल सा तरीका है जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे वो जीप फाइल उसको आपने एक्सट्रैक्ट करके उस फोल्डर को सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल में जा के अडोबी के फ़ोल्डर में पेस्ट कर देना है ठीक है तो ये आप देख सकते हैं ये चल गया है जो है कोई फ़ोटो को ओपन कर लेता हूँ मैंने इस फ़ोटो को कर लिया ओपन ठीक है तो ये आप देख सकते हैं ओपन हो गया है और यहाँ पर मैं कुछ जनरेट भी कर देता हूँ तो ये आप देख सकते हैं जी इसने जो है क्रिएशन कर दी है ठीक है तो ये इस तरीके से है अब अगर आप देखेंगे तो अभी मैं इसे एक दफ़ा कैंसिल कर देता हूँ मैं इधर से तो बहुत शुक्रिया आप इसे यूज़ करें और इस्तेमाल करें बहुत शुक्रिया